खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सपा के कद्दावर नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय इसरार अहमद नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरफराज अहमद से मिलने और चुनावी जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान इसरार अहमद ने कहा कि सरफराज अहमद ने जिस तरह से आज़ादी के बाद पहली बार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में चुनाव जीत हासिल की है, उससे पार्टी का कद भी बढ़ा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम चेहरे को उतारकर नगर पालिका आजमगढ़ में एक चुनौती को स्वीकार किया था, ये काफ़ी चैलेंजिंग काम भी था। वहीं जनता ने अखिलेश यादव के फैसले को सही साबित करते हुए सरफराज आलम को चुनाव में अपने वोटों से जीत दिलाई है, उससे ये बड़ा संदेश भी जाता है। जिले में 2 लोकसभा सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करेगी और केंद्र की मोदी सरकार को इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसरार अहमद ने कहा कि जिस तरह से बार बार नोटबंदी हो रही है, उस हिसाब से जनता को इस बार मोदी सरकार को ही बदल देना चाहिए, तभी जाकर जनता को राहत मिलेगी। मैं इसरार अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी सराय, सरफराज भाई को आज बधाई देने आया था, क्योंकि बीच में मैं नहीं था, तबीयत खराब थी, बाहर में चला गया था। और ख़ास तौर से मैं आजमगढ़ की जनता के फैसले को सलाम करता हूं। उन्होंने एक युवा पे विश्वास किया है और मुझे ये विश्वास है कि ये युवा उनके जौन है, उनके इरादों, उनकी नेकनीति पे खरा उतरेगा। मेरा छोटे भाई है सरफराज, और मुझे मालूम है कि ये काम करने में सक्षम है और ये भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों के दुखों को मैं हरूं और आजमगढ़ के नगरपालिका को जो है तरक्की के रास्ते पर लेके जाए। और जो भी होगा बीच बीच में हम लोग भी इनको सलाह देते रहेंगे और हमारी दुआ है इनके साथ, और आज नहीं पहले से थी और आने वाले दिनों में भी रहेगी, और बीच में कहीं जरूरत पड़ी तो हम लोग इनके साथ खड़े भी हैं। भाई 2000 की नोटबंदी, जब बार बार जो नोटबंदी कर रहा है तो 2024 में उसी को बंद करने क्यों नहीं देते? लोग परेशान है तो 2024 में उसी को बंद कर दें। इतनी जल्दी जल्दी नोटबंदी होती है, ये सिर्फ देश के लिए हानिकारक है, लोगों के लिए हानिकारक है। मैं समझता हूं 2000 के नोट हटाने से अच्छा है कि 2024 में जो नोट हटा रहा है उसी को हटा दिया। वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर भरोसा था और क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताकर मेरे भरोसे को कायम रखा। क्षेत्र की जनता से वादा करता हूँ कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, जिससे नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने सपा नेता इसरार अहमद का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज मेरे घर पर सपा के कद्दावर नेता इसरार अहमद आकर बधाई दिए हैं, मुझे काफ़ी खुशी मिली है और मैं अपने कामों से जनता के दिलों में हमेशा राज करूंगा। मैं सरफराज आलम आजमगढ़ नगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ उनके सूचित फैसले के लिए, और यकीनन इसरार भाई हमारे पूर्व प्रमुख, बड़े भाई, पार्टी के बड़े ही कद्दावर, बड़े जिम्मेदार शख्सियत आए हैं, तो हम इसको अपने हौसला अफजाई के ही तौर पे लेंगे। जैसा कि जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अपनी दुआओं से, अपने सपोर्ट से नवाजते ही रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज यहाँ हमारे यहाँ खुद आए तो ये हौसला अफजाई के ही तौर पे लिया जाएगा, और मैं उनका बड़ा खैर मकदम करता हूँ कि वो आए, इतने मशरूफियत के वक्त में भी हमें निकाल के दवा देने आए।